हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। सो बच्चों, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री पर। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा लेसन सॉल्यूशन चल रहा है और सॉल्यूशन में हमने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंघ गुणधर्म हमने आपको पढ़ाए थे इसके पहले लेक्चर में। उस लेक्चर की आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको भी देख लीजिए। और आज हम बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर। एलिवेशन होता क्या है, बट किसमें होगा एलिवेशन अर्थात उन्नयन किसमें होगा, तो वो होगा बॉइलिंग पॉइंट पर। तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है पहली तो बात जाने, क्योंकि हमें पहले पता हो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिर बाद में पता चले एलिवेशन क्या है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट पर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है क्वथनांक, और क्वथनांक का मतलब होता है, क्वथनांक भी आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, क्वथन धन अंक, मतलब किसी निश्चित ताप पर द्रव वाष्प में बदले, किसी निश्चित ताप पर द्रव वाष्प में बदल जाए। अर्थात मेरा कहने का मतलब है जो आपका लिक्विड हो वह आपका, मतलब जो द्रव हो वो क्या हो जाए, वेपर हो जाए, मतलब द्रव किसमें हो जाए, वाष्प में हो जाए, तो हम कह सकते हैं इसको बॉइलिंग पॉइंट। अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। समझ में बात मेरी आई होगी। तो पहली बात मैंने केवल इतना बताया कि क्वथनांक है क्या। तो क्वथनांक का मतलब होता है किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्वथनांक कहलाती है। किसी द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्वथनांक कहलाती है, लिख लेना इतनी। अब यहां पर लेकिन क्वथनांक की बात नहीं कर रहा, वो करता है क्वथनांक का उन्नयन, जिसे हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहले भी बोल चुका हूं मैं, अब कैसा होगा तो आप समझने का प्रयास करना, यहां दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। देखिए होता क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो मान लिया मैंने हमारा, आप यदि बात करें, एक हमारा कोई पात्र है, इस पात्र में यदि हम बात करें, यह जो पात्र है सपोज जड़ी समझ बंद पात्र है आपका, कैसा पात्र बंद, इस बंद पात्र में हमने हमारा शुद्ध विलायक भरा हुआ है। क्या भरा है हमारा शुद्ध विलायक, जिसे हम बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट। हमने आपको एलिवेशन ऑफ क्या बोलते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझाई थी, तब भी हमने इसको इस प्रकार से समझाया था। अब लेकिन हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अणुसंघ गुणधर्म में पहला अणुसंघ गुणधर्म पढ़ना है क्वथनांक का उन्नयन, इस पर हम बात करें। ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें और समझने बात करें। मैंने कहा हमारा पात्र है जो भी कैसा है बंद है, इसमें हमने शुद्ध विलायक भरा और इसी शुद्ध विलायक में सपोज दैट इस शुद्ध विलायक में इसमें हमने क्या किया, इस शुद्ध विलायक में हमने कोई अवाष्पशील अवाष्पशील पदार्थ को इसमें क्या किया ऐड किया, इसे प्लस लगाया। अवाष्पशील पदार्थ मतलब हो जो नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अवाष्पशील, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है हिंदी, ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड है अवाष्पशील, मतलब जो वाष्पित ना हो उसको। जब हमने एक शुद्ध विलायक लिया, इस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो हमें एक दूसरा एक विलयन बन के मिला, हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें एक सॉल्यूशन बना हमारा, हमारा क्या बन गया है बिलियन बन गया हुआ। समझ बात में आई हो, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा तो थोड़ा धैर्य रख रहे हैं। मैंने ये कहा कि ये हमारा शुद्ध विलायक है, इस शुद्ध विलायक में हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, अब वो अवाष्पशील जो पदार्थ है वो हमारा क्या है विलेय है, क्या है विलेय, यह विलायक है और यह विलेय हमने इसे मिला दिया तो हमारा क्या बन जाएगा विलेय। ठीक, तो जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो जो हमारा जो विलयन बनता है, इस विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है कम हो जाता है, इस विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है कम, और विलयन के वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्या कहते हैं इसको क्वथनांक का उन्नयन, दोबारा सुनना परिभाषा कहलाती क्या है, इसे हम क्वथनांक का उन्नयन कह सकते हैं। दोबारा सुने, हमने कहा कि
कि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो हमारा जो विलयन प्राप्त हुआ इस विलयन का वाष्पदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और विलयन के वाष्पदाब में होने वाली इस कमी को हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ये परिभाषा होती है, या ऐसा कह दें आपको दूसरी बात वर्ड में हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक व शुद्ध विलायक मान लिया व विलयन के क्वथनांक क्रमशः एक आपका शुद्ध विलायक है उसका क्वथनांक हो गया हमारा टी, और विलयन का क्वथनांक हो गया वा, विलयन का हो गया टी एस, क्योंकि एस हो जाएगा सॉल्यूशन, तो शुद्ध विलायक का हो गया टी और विलयन का हो गया टी एस। तो मैं कहता हूं शुद्ध विलायक व विलयन के क्वथनांक क्रमशः क्या है, टी व टी एस है, तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा, तो क्वथनांक का उन्नयन को लिखते हम डेल टी से, तो सूत्र होता है टी एस माइनस टी, ये बन जाता है हमारा क्वथनांक का उन्नयन का फॉर्मूला। थोड़ी समझ बात भी आई हूं, मैं आपको दोबारा एक बार क्लियर कर दूं, मैंने यहां बात की क्वथनांक के उन्नयन, तो पहली बात है क्वथनांक होता क्या है, तो क्वथनांक का मतलब होता है किसी द्रव का वाष्प में बदलना। अब वाष्प में बदलने का मतलब है कि वो आपका जो द्रव होगा वो वाष्प में बदल जाएगा तो वो क्वथनांक कहलाएगा। यहाँ बात हुई क्वथनांक के उन्नयन की, तो मैंने कहा कि कोई शुद्ध विलायक लिया, इस शुद्ध विलायक में कोई नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, मिलाने के बाद हमारा कोई विलयन बनेगा क्योंकि ये विलायक है, तो मिला रहे हम विलेय तो बनेगा विलयन, क्योंकि विलयन में दो चीजें होती है, होती है विलेय प्लस विलायक तो बनाएगा विलयन। तो हमने कहा कि विलयन में जब विलयन बनेगा तो उस विलयन का वाष्पदाब जो होगा इस शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होगा, इस विलयन का जो वाष्पदाब होगा इस शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होगा, विलयन में होने वाली इस कमी को ये हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। ये ऐसा कहते हैं कि आप देखो विलयन का क्वथनांक और विलायक का क्वथनांक, टी एस क्या है विलयन का क्वथनांक है, टी क्या है शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, मैंने लिखा है ना क्या शुद्ध विलायक और विलयन की क्वथनांक का टी अर्थात टी हो गया इसका, और विलयन का क्वथनांक टी एस। तो मैंने कहा कि विलयन का क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक का जो अंतर होता है उसी को भी हम क्या बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो दोबारा बोल रहा हूं, विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को डिफरेंस का चिन्ह लगाया उसको बोलते हैं हम क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, आपको समझ में आई बात होगी। चलिए अगर बात क्लियर हो चुकी है तो अब आगे बात को समझना, इनको आप परिभाषा लिख ले क्योंकि मैंने बहुत धीमे धीमे आपको समझाया है और धीमे धीमे परिभाषा बोल दी है, इसको आप नोट करें। अब ध्यान देना, बात यहां पर ये नोट होती है कि आपने एक वर्ड अभी राउल्स का लॉ पढ़ाया था हमने आपको, अगर नहीं पढ़ा है तो हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे आपको। राउल्ट के नियम अनुसार क्या होता है आपको बता दू, नियमानुसार राउल्ट के नियम अनुसार होता क्या है कि जो डेल्टी होता है अर्थात जिसे हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन, यह समानुपाती होती है मोलल सांद्रता, किसके समानुपाती होती है मोलल सांद्रता के। अब मैंने कहा कि जो क्वथनांक का उन्नयन होगा वो राउल्ट के नियम अनुसार मोलल सांद्रता के समानुपाती होती है, या मोलल सांद्रता का मतलब है यहां हम लिख सकते हैं मोललता के, क्या लिख सकते हैं मोललता। अब यहां आप डेल्टी लिख रही हो उसे आप समानुपाती का चिन्ह हटाइए तो आ जाएगा आपका के बी, देखो आता तो की है क्योंकि के कॉन्स्टेंट के रूप में होगा, लेकिन बी हमने इसीलिए ली क्योंकि बी से होता है बॉइलिंग, बॉइलिंग का मतलब होता है क्वथनांक, क्वथन होता है तो हम लगे के बी और जाकिता आपका मोललता। ठीक है, अब मोललता हो गई। अब के बी, अब जहां हमने कह दी जहां के बी क्या है, जहां हमने कह दिया के बी क्या है, बी क्या है क्वथनांक का उन्नयन और के क्या है स्थान, तो हम लिखेंगे के बी कहलाता है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्या कहेगा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब आपको पता होना चाहिए डेल्टी चाहिए तो रख लिया और के भी आप चाहिए था जिसे हम बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्योंकि स्थिरांक को लिखते हैं किस और क्वथनांक का उन्नयन की बात हो गई तो बी आ जाएगा क्योंकि बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है। तो डेल टी इक्वल टू के भी आपका हो जाए मोललता का सूत्र आपको पता होगा, हमने आपको सब चीज इसी फिजिकल केमिस्ट्री में सिखाई है, ठीक है। क्या होता है मोललता फॉर्मूला, 1000 क्योंकि 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी, एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू चलेगा। अब आप कहेंगे कौन क्या कहलाता है, तो हम आपको बताते हैं दोबारा, हम सब चीज लिखा दे रहा है। मैं कहता हूँ डेल टी मैंने क्या बताया आपको, पहले बताया क्वथनांक होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होगा, ठीक है। के भी आपने लिखा है और स्थिरांक होगा, स्मॉल जो डब्लू होगा स्मॉल जो होगा ब्ले की मात्रा, थोड़ा ध्यान पूर्वक समझे ना समझ में तो हमें बता दोगे। और कैपिटल डब्ल्यू जो होगा वो होगी विलायक की मात्रा। अगर वीडियो समझ में ना आ रही हो एक बार में तो आप वीडियो को दोबारा अवश्य देखें जिससे क्लियर हो जाता है उससे। कैपिटल डब्ल्यू का विलायक, स्मॉल एम जो होगा वो होगा अणु भार जिसे हम बोलते हैं मॉलिकुलर वेट। तो आपको समझ में आएगा मैंने कहा लाल्ड के नियम अनुसार क्या होता है कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वह मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। अब डेल्टी जान गए थे समानुपाती का चिन्ह हटाया किया आया, लेकिन बी क्यों ली मैंने, क्यों ली, क्योंकि ये बॉइलिंग की पॉइंट की बात बताएगी हमें, क्वथनांक को बताएगी तो मोललता। मैंने कहा जहाँ के भी क्या है स्थिरांक होता है लेकिन किसका होगा क्वथनांक का उन्नयन का। अब मैंने क्या कहा डेल्टी लिया के भी जहाँ मोललता का सूत्र था 1000 स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल है स्मॉल है कैपिटल डब्ल्यू। 1000 ग्राम ब्लैक में पश्चर ब्ले के मोलों की संख्या, 1000 ग्राम ब्लैक में पश्चर ब्ले के मोलों की संख्या कहलाती है क्या मूलता। तो इसी सूत्र 1000 स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू डेल्टी आपको क्वथनांक का उन्नयन, स्मॉल डब्ल्यू ब्ले की मात्रा ग्राम में और कैपिटल डब्ल्यू ब्लैक की मात्रा ये भी आपकी कायम होगी ग्राम में और स्मॉल एम क्या होगा अणु भार जिसे हम मॉलिकुलर वेट कहेंगे। तो ये कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। अब यहाँ पर क्वथनांक के उन्नयन की बात करें हम आपसे तो क्वथनांक का उन्नयन आपका दो टाइप से हो सकता है, अलग कर रहा हूं आप लिख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान देना मैंने ये कहा कि जो क्वथनांक का उन्नयन होगा वो दो टाइप से आपका हो सकता है। देखिए आपने फॉर्मूला लिख लिया फॉर्मूला, अब देखिए मैंने कहा कि क्वथनांक का उन्नयन है दो टाइप से, एक हो सकता है आपका आणविक उन्नयन स्थिरांक, ठीक, और दूसरा हो सकता है आपका मैं कह रहा हूं मोलल उन्नयन स्थिरांक। सीधी सीधी बात है एक हो सकता है आणविक उन्नयन स्थिरांक और एक हो सकता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। अब आणविक उन्नयन स्थिरांक को किससे लिखते हैं तो आणविक उन्नयन स्थिरांक को लिख देते हम केबी से और मोलल उन्नयन स्थिरांक को लिखते हैं हम केबी डैश से। इतनी बात है स्थिरांक का मतलब क्या होता है लेकिन आणविक के रूप में होने तो लिख के भी लिख दीजिए फिर अपनी अपनी पहचानने का तरीका आप केबी ना लिखिए केबी इसको केबी डैश मान इसको केबी मान लीजिए वो अपने तरीका से मानना होता है जिससे न्यूमेरिकल्स लगाने में हमें दिक्कत हो क्योंकि मैं आपको बता दूं क्योंकि ये दोनों कंप्लीट होने के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा ये सब कंप्लीट हो जाए इस पर केवल वीडियो जो आपकी होगी वो न्यूमेरिकल्स पर होगी। तो आपका देखो अगर इसके लिए सूत्र बनेगा तो स्मॉल एम बराबर क्या होगा 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू ऐसा मैं लिख रहा हूँ जैसा लिखा था उसी लिख रहा हूँ ठीक। क्या लिखा था डेल टी बराबर क्या लिखा था एक क्या था वहां पर के बी था इंटू 1000 था इंटू स्मॉल डब्ल्यू था अपॉन में एम था इंटू कैपिटल डब्ल्यू था ठीक है। अब इधर लिख रहा हो तो डेल टी जागते लिख लीजिए डेल टी जागता आप कर लीजिए यहाँ ओए के बी डैश कर लीजिए यहाँ और इंटू 1000 और इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखना यहाँ बात हो रही है आणविक और आणविक का मतलब है अणु और अणु की बात हो रही है तो यहाँ पर जो 1000 है ना 1000 ना ओनली 100 ग्राम के लिए होगा और यहाँ मोलल है तो 1000 ग्राम के लिए क्योंकि आणविक जो होगा वो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित होगा और मोलल जो होगा वो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित होगा। तो दो फॉर्मूले आपको याद करके रखना है मैं आपको अभी पहले से पहले बता चुका हूं कि स्मॉल डब्ल्यू क्या ब्ले की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू क्या ब्लैक की मात्रा स्मॉल एम क्या अणु भार ब्ले का डेल्टी क्या है क्वथनांक का उन्नयन ठीक है
और के भी क्या है, उन्नयन स्थिरांक, लेकिन किसका, क्वथनांक का, ठीक है। इन सब चीजों को मैं आपको लिखवा जाऊंगा। अब इसको लिखिए। अब बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। देखिए चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हिमांक के अवनमन पर, कि हिमांक का अवनमन जिसे हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक का अवनमन क्या हुआ, सेम कंडीशन होगी यहां पर, सेम कंडीशन क्या होगा, मैंने अभी क्या बताया, मैं बढ़ के रूप में लिख रहा हूं। मैंने कहा मैंने क्या लिया था, एक शुद्ध विलायक लिया था, ये लिया था ना, मैं जब शुद्ध विलायक लिया था, इस शुद्ध विलायक में मैंने क्या किया था, इस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया था मैंने, अवाष्पशील का मिलाया था, विलेय पदार्थ मैंने मिलाया था उस समय भी, ठीक है। मैंने कोई शुद्ध विलायक लिया, इस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, तो होगा क्या, ये विलायक है और ये विलेय है, तो बनके तैयार क्या होगा, विलयन तैयार होगा, बनके क्या, बनके तैयार होगा विलयन। तो मैंने कहा जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब जो होगा, विलयन का जो वाष्प दाब क्या होगा, वो कम हो जाएगा, किससे कम हो जाएगा, शुद्ध विलायक से, किसी की तुलना में तो कम होगा ना, तो तुलना में किससे कम होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किसकी तुलना में कम होगा, शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा इस आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा, ठीक है। अब विलयन का वाष्प दाब इससे कम हो जाएगा, तो होता क्या है कि जो शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है, जो शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है वो विलयन के हिमांक से कम हो जाता है। मैंने क्या कहा, फिर क्या होता है, जिस कारण क्या होता है, शुद्ध विलायक का हिमांक जो होगा वो विलयन के हिमांक से, विलयन के हिमांक से कम हो जाएगा, इसको आप ध्यान देना, दोबारा आप सुन लेंगे। मैंने आपको केवल बताया कि जब प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर से कम होता है, जिससे होता क्या है कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये कम हो जाएगा यदि, तो क्या होगा आप ध्यान देना, इससे कम हो जाने कारण होता है कि इसमें के कारण जो परिवर्तन होता है, जो चेंजिंग आती है, उसी को बोलते हैं हम हिमांक का अवनमन, उसे क्या बोलते हैं हम हिमांक का अवनमन। इससे क्या होता है, जैसे मैंने उसमें लिखा है तो वैसी बात कर रहा हूं, यहां तो दिख रहा होगा आपको, यहां दिख रहा है, दिख रहा है, एक मिनट देख ले थोड़ा, ठीक है भाई। इसी प्रकार हमें आवाज करते हैं, तो मैंने कहा शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का जो हिमांक होगा उसको लिखेंगे हम ऑनली किससे, टी से, लेकिन हिमांक की बात हो रही, किसकी बात हो रही, हिमांक की, तो ज्यादा है शुद्ध विलायक का हिमांक तो टी लिख लिया, वह विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक टी एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी एस। तो हिमांक का अवनमन क्या होगा, तो हिमांक का अवनमन, तो हिमांक का जो अवनमन होगा उसे हम बोलेंगे डेल टी। आप सब आप कहोगे सर जी अभी तो आपने डेल टी को क्वथनांक में ही बताया था, तो यहां पर आप एफ लगा लीजिए, हो गया एफ का मतलब फ्रीजिंग और फ्रीजिंग का मतलब है हिमांक, ठीक है। तो मैंने कहा शुद्ध विलायक का हिमांक टी मान लीजिए, और विलायक का हिमांक टी विलायक है, यहां विलयन लिख रहा है सर, विलयन का हिमांक आप टी एस मान लीजिए, तो हिमांक का अवनमन क्या होगा डेल टी एफ। इसके लिए क्या होगा, अभी हमने कहा था, अभी हमने उसमें बताया था टी एस माइनस टी, यहां होता है टी माइनस टी एस, इसको ध्यान, तो डेल टी एफ जो होगा वो होगा टी माइनस टी एस होगा। अभी हमने आपको बताया था टी एस माइनस टी एस, वो विलयन और विलायक का अंतर होता है, और यह विलायक और विलयन का अंतर होता है, तो दोनों में जो अंतर है, अगर विलायक और विलयन का हिमांक में अंतर होगा
तो उसे बोलेंगे हिमांक का अवनमन। और बिलियन और बिलायक में अंतर में लगो तो समझ जाना वहां होगा क्वथनांक। टी एस माइनस टी निकला तो समझ जाना यहां बात होगी क्वथनांक की, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और टी माइनस टी एस आया, जिसका मतलब है हिमांक की बात हो रही। बात क्लियर होगी? बात तो इन दोनों चीजों को आप ध्यान देना। तो मैंने आपको क्लियर की, तो इनको आप लिख लीजिए अच्छे से, आगे बात करता हूं मैं आपको, ठीक है? क्योंकि यदि आप धैर्यपूर्वक इनको लिखोगे और समझोगे तो सब क्लियर होगा, अंतर इसे कुछ क्लियर नहीं होगा। अब बात करता हूं, ध्यान देना। जैसे आपको उसमें भी मैंने राउल्ट के नियम से बताया, यहां भी राउल्ट के नियम से बता रहा हूं, यहां भी राउल्ट के नियम अनुसार होता क्या है कि जो हिमांक वो हिमांक का अवनमन होता है, जिसे डेल टी एफ कहते हैं, वह भी समानुपाती होता है मूल लल ताकि, इसको ध्यान देना, ठीक है? तो डेल टी एफ आपका जाके तरह के देखिए, आप कोई दिक्कत नहीं, समानुपाती चिन्ह था ये तो किया गया, लेकिन अब के की जगह पर के तो स्थिरांक होता ही है, लेकिन यहां वहां लिया था हमने बी क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट था, अब यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए लिखेंगे एफ, और ये हो जाएगा आपका मोल लल का, ठीक? तो यहां कह सकते हैं जहां कि एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक है? कि अब क्या होगा, हिमांक अवनमन स्थिरांक होगा। इस तरह से अब आप डेल टी एफ बराबर अब के एफ रखे नहीं जाने का, अब मूलता का सूत्र आप जानते हैं, 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एफ, क्रिया वही होगी। डेल टी आप डेल टी एफ आप जानते हैं हिमांक अवनमन है, हिमांक का अवनमन, ठीक है? तो ये निकल आता है आपका एक फॉर्मूला, ठीक है? एक फॉर्मूला आपका ये निकाला मैंने, इस प्रकार उसको निकाला था, ठीक है? इसको परिवर्तित करके ऐसा लिखा होता है, जो स्मॉल एम बराबर निकालती है अनुभार बराबर, इसको बड़ा स्मॉल हो जाएगा, तो जी इसका हो जाएगा इसमें, तो क्या होएगा आप इसे देख लीजिए, जी एम एन जाइए, तो लिया हमने 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू, इसको परिवर्तित करके हम ऐसा, इसको परिवर्तित किया हमने इससे, इससे ऐसा देख लीजिए, तो मॉलिकुलर वेट के अणुभार बराबर हो जाता है 1000 गुणा के एफ, जिसे हमने आपको लिखा के एफ क्या है, हिमांक का अवनमन स्थिरांक, आप की जहां मिलेगा वो स्थिरांक है, और एफ लग जाएगा तो फ्रीजिंग का है, बी लग जाएगा तो बॉइलिंग का है, फ्रीजिंग है तो हिमांक है, बॉइलिंग है तो क्वथनांक है, ठीक है? और डेल्टी आदि है तो समझ जाना या तो क्वथनांक होगा या हिमांक होगा, अगर एफ लगा है तो मतलब ना हिमांक का क्वथनांक की बात हो रही, और डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू है तो विलायक, स्मॉल डब्ल्यू है तो फ्री है, तो ये दो चीजें हमने आपको क्लियर कर चुके हैं। तो हिमांक का अवनमन हमने आपको बताया होता क्या है, और क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, इन दोनों परिभाषाओं को, इन दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसे हम अनुसंग गुणधर्म कहते हैं, हमने आपको क्लियर किया। इसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो एक बार ट्राई करके मेरी बात मान के वीडियो को एक बार रिवर्स करके एक बार और देख लेगा, तो फिर समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे इन क्लियर इनको हम दोबारा क्लियर करें। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, अब हम बात करेंगे इसी सॉल्यूशन लेसन पर, बात करेंगे जो वो बात करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है? और बाकी वीडियो के अगर वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, आप उससे खोल के आप देख सकते हैं, ठीक है? तो आप तैयार रहें नेक्स्ट लेक्चर के न्यूमेरिकल्स के लिए, लेकिन न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले आप इस लेसन को पूरा याद करेंगे, और पूरा का पूरा आपको सभी के सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है? हरे कृष्ण।